दोस्तों आज है 25 अगस्त और आज होने वाला है टोक्यो प्रो शो। एंड मैं आपको बता दूं कि अपडेट्स कभी भी आ सकते हैं, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में। और अपने इंडिया से जो एकमात्र बॉडी बिल्डर इस शो में कम्पीट कर रहे हैं, राहुल फिटनेस भाई, उनकी साइड से ये अपडेट है कि वो एक्सपो के लिए निकल चुके हैं। एंड इस बारी ऑडियंस की डिमांड पे ये एकदम क्लीन सेफ वाला लुक लेके जा रहे हैं ऑन स्टेज। वैसे क्लीन सेफ से दोस्तों हमें एक बढ़िया चीज़ तो देखने को मिल रही है कि राहुल फिटनेस भाई का जो डेथ फेस है वो काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ट्रंक नंबर्स तो दोस्तों कल ही मिल चुके थे, बट अभी तक राहुल फिटनेस भाई ने इसका कोई भी अपडेट हमारे साथ में शेयर नहीं किया। हालांकि दोस्तों शो के लाइनअप के बारे में बात करें तो इस शो को विन करना किसी भी एथलीट के लिए आसान नहीं रहने वाला, फिर चाहे वो राहुल फिटनेस ही क्यों ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोक्यो प्रो शो का मेंस फिजिक डिवीजन का जो लाइनअप है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मैं आपको ना एक बारी ओवरऑल लाइनअप अच्छे से दिखा देता हूँ, मेरे पास ना एक वीडियो अवेलेबल है तो आप लोग ना इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आती है दोस्तों सैमसंग दौदा की साइड से, जो कि करंटली अपने करियर का एक बेस्ट फिजिक अपडेट हमारे साथ में शेयर करते हैं। जबकि दोस्तों ये करंटली 7 वीक्स आउट है मिस्टर ओलंपिया 2024 के लिए। तो आप इस फोटो के अंदर देखेंगे दोस्तों कि सैमसंग दौदा काफ़ी कमाल का साइज और काफ़ी कमाल की कंडीशनिंग को करंटली अपनी बॉडी पर शो कर रहे हैं। वैसे सैमसंग ने दोस्तों इस फोटो के अंदर अपना करंट फिजिक अपडेट शेयर करने के साथ साथ हमें ये भी बताया कि वो आखिरकार 2024 ओलंपिया की प्रैप किन दो लोगों के अंडर कर रहे हैं। तो इसमें पहला नाम तो इनकी वाइफ मार्लिना का आता है और दूसरा माइकल वॉर्नर। वैसे दोस्तों माइकल के केस में मुझे लगता है कि ये कोई कोच वगैरह नहीं है, आप इनको समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट में एक थर्ड एम्पायर होता है ना उस तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ सैमसंग के ब्लड वर्क और उनके जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ही देखते हैं। जबकि अपनी वाइफ के अंडर सैमसंग दौदा अपनी मैन प्रैप करते हैं, लाइक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, डाइट। बाकी दोस्तों हम लोग बात करें सैमसंग के इस रीसेंट अपडेट के बारे में, तो भाई क्या ही इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे सैमसंग शो कर रहे हैं। सबसे पहले 7 वीक्स आउट होते हुए आप लोग देखिए कि सैमसंग के जो ऐप्स हैं वो काफ़ी क्रिस्पी साइड पर हैं, एकदम बिस्किट की तरह अभी से ही विजिबल हैं इनके ऐप्स। ट्रैप्स भी इनके पहले से इम्प्रूव हैं और हर एरिया जो इस अपडेट में दिखाई दे रहा है, लाइक फिर चाहे हम बात करें इनके शोल्डर्स की, इनकी ओवरऑल आर्म्स की, इनके चेस्ट की या फिर इनकी लेग्स की, तो ये साइज वाइज हर एरिया आपको इम्प्रूव दिखाई देगा। एंड 7 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग दोस्तों कंडीशनिंग भी इनकी काफ़ी बढ़िया है। और मुझे तो यही समझ आता है कि इस साल सैमसंग दौदा ओलंपिया स्टेज पर एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की कंडीशनिंग नेल करके आने वाले हैं, जिसकी तैयारियाँ पहले से ही काफ़ी जोरों शोरों से की जा रही है ताकि एंड मोमेंट पर आके बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट आ रही है वेस्ली वेजर्स की साइड से, जो कि रिसेंटली एक छोटे से सेमिनार में गेस्ट पोजिंग करते हैं। तो सचमुच पब्लिक कैमरे से दोस्तों ये काफी कमाल का अपडेट रहा। वेस्ली अपने हर इंस्टाग्राम अपडेट की तरह इस सेमिनार वाले वीडियो में भी हमें दिखाई देते हैं, या फिर मैं कहूँ तो इस अपडेट में अपने लास्ट बाकी के अपडेट्स के कंपेरिजन में वेस्ली ज्यादा इम्प्रूव थे। मैं सच बोलूँ तो स्टिल अभी से ही वेस्ली काफ़ी बढ़िया 3D लुक शो कर रहे हैं। और पता नहीं दोस्तों अब तो ये हो रहा है कि मैं इनके लिए अपनी साइड से इनकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं ला पाता, क्योंकि अपडेट्स हर बार इनकी साइड से काफ़ी इम्प्रूव आते हैं। और जिस तरह दोस्तों ये फ्रंट बॉडी से भी काफ़ी कमाल की कंडीशनिंग को शो कर रहे हैं, तो सेम इसी तरह करंटली इनकी बैक में जो क्रॉस स्ट्राइशंस हैं लोअर बैक में वो नोटिस होने लगी हैं। बैक काफ़ी थिकर साइड पर आ चुकी है एंड स्पेशली लोअर बैक अभी से ही काफ़ी नैरो लुक शो कर रही है। यहाँ आपको बिल्कुल भी फैट नहीं दिखेगा और सामने से देखने पे जो इनकी वेस्ट है वो भी आपको काफ़ी नैरो साइड पे दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप बॉडी बिल्डर्स के बारे में, जिनको की लिस्ट किया है रॉनी कोलमैन ने। दोस्तों सबसे पहला नाम इस लिस्ट के अंदर जोड़ा है रॉनी कोलमैन ने, आर्नोल्ड स्कॉर्जनेगर का, सेकेंड ली हैनी,
थर्ड वो खुद रॉनी कॉलमैन, फोर्थ फिल हीथ और फिफ्थ प्लेस पे रखा है उन्होंने डोरियन येट्स को। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहें दोस्तों तो हिस्ट्री के अंदर आप लोग भी अपने जो टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं, आपके टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स कौन है ओवरऑल इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री, आप लोग जल्दी से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट अपडेट के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे अनिक घोष के बारे में, जिनके की रिसेंट अपडेट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन्होंने फाइनली अपना जो ऑफ सीजन है वो स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस रिसेंटली अनिक भाई एक वीडियो हमारे साथ में शेयर करते हैं जिसमें कि ये देखा जा सकता है कि वो अपने ऑफ सीजन पे आ चुके हैं क्योंकि उनकी फिजिक धीरे धीरे ऑफ साइड जाती जा रही है। अब अनिक भाई की बॉडी पे श्रेडेड लुक के बजाय जो बल्क गेन्स है वो नोटिस होने लगे हैं। तो सच में दोस्तों फिलहाल ये इंप्रूवमेंट्स के लिए एक अच्छा डिसीजन है और मुझे लगता है कि ये एथलीट 2025 में कन्फर्म है कि ये अपने लिए ओलंपिया की टिकट कन्फर्म करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है हंटर लब्रादा की साइड से, जो कि करंटली अपना 2 वीक्स आउट का जो फिजिक अपडेट है दोस्तों वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। तो करंटली हंटर की फिजिक दोस्तों काफ़ी अच्छी है। इस अपडेट के अंदर दोस्तों सबसे पहले हैमस्ट्रिंग एरिया को देखिए, काफ़ी इम्प्रूव आपको दिखाई देगा। ओवरऑल साइज प्लस कंडीशनिंग दोनों ही आपको इम्प्रूव दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और जो हंटर लब्रादा का रिसेंट अपडेट है उसमें भी ये अपनी लेग्स पे काफ़ी अच्छी जो सेपरेशन है, काफ़ी अच्छी जो क्रॉस स्ट्राइशंस हैं उनको शो कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी साइज़ दोस्तों इस बार हंटर की बॉडी पे काफ़ी इम्प्रूव है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। एंड इस पे भी ये जो 2 वीक्स आउट होते हुए अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग को शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इटली प्रो शो में दोस्तों ये पॉइंट्स इनके फेवर में जा सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो रूबियल मोस्क्यूरा वेसक इटली प्रो में हंटर लब्रादा को टक्कर दे सकते हैं, बट वो इनको वीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हंटर इस शो में अपने बेस्ट एवर अपडेट के साथ आएंगे। इनके इटली प्रो शो वाली फिजिक इनके बॉडी बिल्डिंग करियर की सबसे बेस्ट फिजिक होगी। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपको बाकी में इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी और पर प्रेस करें ताकि हमारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।